हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं स्मार्ट डॉग ट्रेनिंग। तो आज वीडियो में आप देख रहे होंगे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे सिड्डूज हैं। अगर आपके पास भी इतने प्यारे प्यारे सिड्डूज हैं तो आप भी इनकी ट्रेनिंग इसको देख के सिखा सकते हो। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास, कॉमेंट्स आ रहे थे, हमारे इंस्टाग्राम पर भी आ रहे थे जो कि स्मार्ट डॉग ट्रेनिंग करके हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, उस पर भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सिड्डू की कुछ वीडियोज लाइए, लोग बहुत ज़्यादा उनको डिमांड कर रहे थे। तो उन्हीं की डिमांड पर हम लोग ये वीडियो लेके आए हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और आप घर बैठे अपने डॉग को खुद से सिखा भी सकते हो इस वीडियो के थ्रू। हम लोग और भी चीज़ें, मज़ेदार चीज़ें देखेंगे इसमें, क्या क्या सिड्डू सीख सकता है और कौन कौन सी ऐसी ट्रिक्स हैं जो आप इनको घर पर ही सिखा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जान लेते हैं इनके नेचर के बारे में। अगर आपको इनके साइकोलॉजी और नेचर की थोड़ी सी समझ होगी कि कैसा इनका सोचना रहता है, किस तरीके की ये ब्रीड है, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलती है ट्रेनिंग में। तो जितना कि ये छोटा आपको देखने में लगता है मज़ेदार है, उतना साइज के हिसाब से इसकी हिम्मत बहुत ज़्यादा होती है। कह सकते हो आपकी हिम्मत इसकी 10 गुना होती है। अगर छोटे सिड्डू को आप डराने की कोशिश करोगे नहीं डरेगा। इवन आपने लैब्राडोर देखा होगा और भी दूसरी ब्रीड्स देखी होंगी, अग्रेसिव ब्रीड्स को छोड़ के, तो वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल आप कर सकते हो, उनको वॉइस से कंट्रोल कर सकते हो। एक जो ग्रेट डेन होता है वो केवल वॉइस से आप कंट्रोल कर सकते हो, बहुत इजीली उसको डरा सकते हो। अगर आपने एक बार उसके थप्पड़ लगा दिया तो वो थोड़ा डर भी जाता है। साइज के अकॉर्डिंग उसके अंदर हिम्मत थोड़ी कम होती है, ये कह सकते हैं कि वो ज़्यादा ही ओबीडियंट हो जाता है जल्दी। बट सिड्डू के साथ ऐसा नहीं है, इनको क्या है कि आप डरा के बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती करेंगे, ठीक है। तो शुरू से ही इनकी ट्रेनिंग आपको लगातार करनी होती है, ऐसा नहीं है कि 1 महीने 2 महीने 3 महीने ट्रेनिंग कराई, ट्रेनर चला गया और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ऐसा नहीं है। आपको कंटिन्यू खुद ही एक ट्रेनर एज अ ट्रेनर इसके सामने आना होता है। अगर आप एक ऑनर हो तो आपको खुद ही चीज़ों को समझना है और खुद ही इसको ट्रेन करना है, क्योंकि आपके घर पे रखना है आपको। आपको पता है छोटी छोटी चीज़ें, आपको इसको बेडरूम के अंदर अलाउ करते हो, आप घर के अंदर डाइनिंग हॉल में रहता है, ये आसपास में जाता रहता है, तो आपको पता है कहाँ क्या बाउंड्रीज फिक्स करनी है, कहाँ क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ सिखानी है। तो वो सारी चीज़ें होती है सिड्डू के अंदर। और एक चीज़ और कि सिड्डू इतने प्यारे होते हैं, इनका रखरखाव तो आप, इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। इसके लिए भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स, मतलब डिमांड्स आ रही है मेरे पास कि ये वीडियो बनाइए, कैसे इसकी ग्रूमिंग करेंगे, वो नेक्स्ट किसी वीडियो में बताएंगे। बट इसमें जैसे सिड्डू इतनी छोटी ब्रीड होने के साथ साथ ही जैसे बहुत ज़्यादा समझदार तो होते हैं, अब आप इनको कैसे ट्रेन करना है, जैसे आपने ट्रेनर स्टार्टिंग में लगाया ये एक अच्छी बात है, बट उसके साथ साथ आपको भी सीखना ज़रूरी है। आप कोई ट्रेनर अगर लगा रहे हो तो आप भी खुद से उसको टाइम दीजिएगा और समझिएगा, चीज़ों को जानने की कोशिश कीजिएगा, ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों करते हैं। अगर एक बार इतनी छोटी ब्रीड है, अगर ये इवन ग्रूमिंग कराने में बड़ी दिक्कत करते हैं, तो वो भी एक ट्रेनिंग का पार्ट है। आपको क्या करना है, शुरू से ही इनको डेली कॉम्बिंग वगैरह सारी चीज़ें और भी खुल के मैं बता दूंगा और वीडियोज में, बट सारी चीज़ों की हैबिट स्टार्टिंग से ही डालनी है। चूजी ब्रीड बहुत हो जाती है ये, तो खाना पीना खाने के मामले में भी वो भी ट्रेनिंग आपको देनी ज़रूरी है। बदल बदल के चीज़ों को, कुछ डाइट फिक्स कर दो और सिखाओ उनको चीज़ों को, उतने टाइम में ही फिक्स करना है, फिनिश करना है। जैसे खाना दिया आपने तो 5-10 मिनट तक उनको दो और हटा के रख दो, अदरवाइज अगर पड़ा रहने देंगे तो वो ब्रीड क्या होगा, चूजीनेस आ जाएगी उसके अंदर, और वो एक लॉन्ग टाइम तक आप उसके लिए ट्रेन अगर नहीं किया आपने खाने के लिए, तो क्या होगा कि फिर वो चूजी हो जाएगा। मिलेगा खाना तो पड़ा यार ये शाम तक खा लेंगे, पड़ा रहेगा फिर वो धीरे धीरे कुछ कुछ चीज़ें जो अच्छी लगेंगी वो खाना स्टार्ट कर देगा, कम भूख में भी पूरा पेट भर के नहीं खाएगा। और अगर आपने ऐसा ट्रेन कर लिया इसको तो थोड़ी सी भूख लगेगी, उसको पता है नेक्स्ट टाइम मिलेगा खाना, अगर अभी नहीं खाया तो तुरंत फिनिश कर लेगा वो, तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इससे अलावा आप कुछ भी छोटी छोटी कमांड जैसे कम हेयर, से डाउन, चेक हैंड, हाई फाइव, जंप, बहुत सारी ऐसी कमांड्स हैं इंटरेस्टिंग, रिंग जंप, तो इनको सिखा के मजे ले सकते हो। तो कुछ चीज़ें मैं आपको एक ही वीडियो में इसमें बता देता हूँ, फिर भी आप अगर सिखाना चाहते हो उससे अलग तो हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्सेज होती हैं, उनके थ्रू जुड़ के आप घर पर खुद से सिखा सकते हो, आपको कोई ट्रेनर रिक्वायर्ड नहीं होगा। तो खुद से सिखाने का मतलब, क्योंकि एक ऑनर से अच्छा कोई ट्रेनर डॉग के लिए कोई नहीं हो सकता, तो इसलिए आप अपने डॉग को जो कोई सा भी ब्रीड करोगे कोशिश कीजिए आप खुद से सिखाएं। मेरा यही मोटिव रहता है सबको अच्छे से गाइड करूँ, हालांकि मैं एक ट्रेनर हूँ जाता हूँ, मैं ऑनर को ज़्यादा इन्वॉल्व रखता हूँ ट्रेनिंग में, इसीलिए क्योंकि वो अगर खुद से इन्वॉल्वमेंट रखेगा तो अटैचमेंट अच्छा बनता है उनका डॉग के साथ, और वो जितना अच्छा बॉन्ड होगा डॉग के साथ तो उतने अच्छे से उसकी बात को फॉलो करते हैं, ओबीडियंटली उसके साथ रहते हैं। तो अगर आपको कोर्स के बारे में कुछ जानना है तो जो नंबर दिए जा रहे हैं स्क्रीन पर उन पर हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और ये हमारे सारे पेड कोर्सेज रहते हैं, अगर आपको फ्री कुछ भी सीखना है कैसे भी, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं यूट्यूब पर सारी चीज़ें बता दूँ, बट फिर भी आपको पर्सनली प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनके लिए मैंने ये कोर्सेज बनाए हुए हैं, तो इनको ज्वाइन करके आप घर बैठे अच्छे से सिखा सकते हो, पेट कीपिंग का मजा ले सकते हो। चलिए आप ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं और मैं आपको सीक्वेंस भी बताऊंगा ट्रेनिंग एक एक करके, और कुछ ट्रेनिंग्स ऐसी हैं आगे पीछे भी सिखा सकते हो, बट स्टार्टिंग की 4-5 कमांड्स ऐसी हैं आपको सीक्वेंस में ही सिखानी है इनको। तो सबसे पहले हम
किसी डॉग को जब आप ट्रेन करते हैं तो डॉग पास में आना बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए आप कम हेयर पे अच्छे से वर्क करेंगे। तो जैसे ये सारे बैठे हुए हैं, अगर एक एक करके बुलाएंगे, सबसे पहले नाम भी याद कराना बहुत ज़रूरी है आपको, बट ट्रेनिंग के पार्ट में कम हेयर ज़रूरी है, तो मैं बुलाऊंगा तो आ जाएंगे सब एक एक करके। कम हेयर बॉय कम, अब जैसे सिंचन कम बॉय, लड्डू गेट अप कम फास्ट, ये लड्डू आ रहा है, गुड बॉय शाबाश। जो भी डॉग आता जाए उसको ट्रीट करते जाइए, कम हेयर लड्डू गुड, सिंचन बॉय कम हेयर, सिंचन आ गया, तो सारे डॉग्स आ जाएंगे एक एक करके। तो इस तरीके से कम हेयर ट्रेनिंग जरूरी है। तब इसके बाद कम हेयर सिखाने के बाद फिर जब दूसरा पार्ट होता है, जैसे सबसे पहले आपने डॉग को बैठा दिया तब दूसरी कमांड तभी देंगे आप, तो सिट लड्डू सिट बॉय, बैठाने सिट सिट, इस तरीके से अगर जंप कर रहा है तो नहीं करना है, ठीक है ट्रीट। फिर जब बैठा रहेगा नो सिट, जब वो वहीं पे रहेगा तभी ट्रीट करना है, ट्रीट लेके जा रहा है ऊपर आता है इस तरीके से डॉग, ये गलती करते हैं यहाँ पे कर देते हैं, नहीं सिट में मतलब सिट इसी पोजीशन में आप ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे वो यहीं पे परफेक्ट हो जाएगा, फिर जंप करना वो बंद कर देता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लगातार ट्रेनिंग करोगे तो हर डॉग के साथ अलग अलग दिक्कतें आती हैं, तो वहीं पे उनका सुधार किया जाता है। जैसे यहाँ पे आई तो मैंने बताया, तो इस तरीके से दूसरे डॉग के साथ दूसरी दिक्कतें आएंगी, सिट बोलने पर कभी डॉग पीछे जाता है, ठीक है कोई नहीं समझता है, ठीक है तो पूरा डाउन होकर बैठ जाता है, तो सबको अलग अलग तरीके से आप उनको सॉर्ट आउट कर सकते हो प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तो हर डॉग के साथ अलग प्रॉब्लम आती है, बड़ी ब्रीड के साथ अलग आएगी। अब दूसरी चीज़ है डाउन सिखाना है, तो डाउन कमांड होती है डाउन सिट, पहले सिट किया आपने सिट गुड डाउन, पूरी भीड़ आ गई है सिट, उसके बाद आप डाउन सिखाएंगे तो ट्रीट को लेके डाउन गुड, तब नीचे आ जाए इस पोजीशन में तो वहां ट्रीट छोड़ दो गुड शाबाश, ये सिखा सकते हो। उसके बाद एक और कमांड्स होती है जैसे फूड कंट्रोल, आपने फूड रखा सिट, ये सारे ट्रेन है पहले से, हालांकि शुरू से इनको ट्रेन किया गया है, वही स्टे, इतने सारे डॉग्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते एक साथ, एक एक करके सिखाएंगे, आपके पास एक या दो ही होंगे। सिट स्टे वेट नो वेट वेट स्टे नो स्टे ईट, अगर ये सारे डॉग्स एक साथ करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर तो आपके आपके पास इतने सारे डॉग्स नहीं होंगे, आप जैसे मैं अभी सबको दिखाऊंगा तो आपको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बढ़िया लगेगा, ठीक है। सारे डॉग्स को एक साथ वेट कराएंगे तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, वो भी तरीका भी दिखाता हूँ। वेट स्टे स्टे वेट वेट स्टे नो सिट हियर लड्डू सिट वेट स्टे सिट, अगर बहुत सारे डॉग्स हैं सिट तो इनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, सिट भी वैसे जल्दी नहीं मानता है जितनी ब्रीड होती है स्टे, बट एक बार अगर उसको समझ में आ जाता है, इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए ट्रेनिंग में, तो सारी चीज़ें अच्छे से करने लगते हैं। वेट स्टे नो स्टे वेट 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 ईट गुड, और इसके बाद कमांड आती है जैसे सिट, आपने डाउन सिखा दिया, फूड कंट्रोल सिखा दिया, शेक हैंड करवा सकते हो आप, सिट मीन शेक हैंड सिट हियर गुड गर्ल शेक हैंड गुड गर्ल शेक हैंड लड्डू गुड, ये ज़्यादा ही एडवांस चला गया। स्पिन शेक हैंड के बाद एक कमांड और होती है इंटरेस्टिंग, स्पिन स्पिन गुड, लगभग इसी की जैसी कमांड होती है हाई फाइव, हाई फाइव का मतलब जब आप करेंगे तो दोनों अपने दोनों पंजों से आपके हाथ पे टच करेगा, हाई फाइव गुड, तो इस तरीके से आप इनको सिखा सकते हो। और एडवांस लेवल पे जाएंगे तो खेल खेल जो होता है इनका, इनकी ट्रेनिंग बन जाती है, जैसे कि आप ये देख रहे हो उसको, ठीक है सैल्यूट बोलते हैं तो बैठ जाएगा आराम से, सारे डॉग्स बैठते हैं बट ये कुछ ज़्यादा ही परफेक्शन के साथ करता है, मार्च सैल्यूट अब सैल्यूट, तो इस तरीके से दोनों पैर अगर ऊपर करके बैठ जाता है तो उसको नमस्ते या सैल्यूट पोजीशन कहते हैं, तो ये काफ़ी पेटी लगती है गुड शाबाश। इसके बाद कमांड जो होती है वो है जैसे जंप कराना डॉग को, तो आप लेग के ऊपर से जंप कराते हो इस तरीके से देखा होगा, रिंग में से जंप कराते हो, तो वो सिखा सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, तो इनके साथ खेल भी हो जाता है, इनकी एक्सरसाइज भी हो जाती है और डॉग भी ट्रेंड हो जाएगा, जैसे आप भी बोर नहीं होगे और आपका जो डॉग है घर पे वो भी आपके साथ बोर नहीं होता है। जैसे कि सिंचन जंप बॉय, सिंचन बॉय जंप गुड बॉय शाबाश जंप हेलो गुड गर्ल, मार्श बॉय जंप गुड जंप गुड शाबाश गुड बॉय शाबाश सिंच लड्डू गुड बॉय सैल्यूट सिट सिट सैल्यूट गुड बॉय ताली जंप गुड
Come, jump. Ladu, Shinchan, jump. Good, Shinchan boy, jump. Good, jump. Good boy. Tali, jump. Good girl. Cow, jump. हल्के से जंप, बस काउंटिंग स्पीड ये भी सिखा सकते हो आप, जैसे 1 2 3 बोलने पे 1 टाइम 2 टाइम जितने टाइम बार करता है वो सिखा सकते हो। काफी इंटरेस्टिंग कमांड्स होती है, जैसे कि मिंट स्पीक, नो मिंट स्पीक, गुड गर्ल बाय, वेरी गुड शाबाश, स्पीक गुड, हाई फाइव, गुड गर्ल, मिंट वन, मिंट मार्च वन, गुड बॉय टू, good, three, good boy, take it। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ ये जो मैं ट्रिक्स बताएंगे ये मैं पर्सनल कोर्सेज में भी सिखाता हूँ अंदर, उनमें सारी चीज़ें आपको बताऊंगा एक एक चीज़ बारीकी से। तो मिलते हैं पर्सनल, अगर ट्रेनिंग कोर्स आप ज्वाइन करते हो तो उसमें मिलते हैं, सारी चीज़ें मैं उसमें बारीकी से सिखाऊंगा। और जो नंबर दिया जा रहा है आप मुझे स्क्रीन पर नंबर उन पर मैसेज करके कोर्स की डिटेल्स ले सकते हो। सो मेक योर डॉग स्मार्ट विद स्मार्ट डॉग ट्रेनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, जय हिंद।